हाय बच्चों, मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय गणित अभ्यास 9.1 जो आपके किताब में जो चैप्टर है अभ्यास 9.1 इसमें भाग है। पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बताया गया है कि भाग को कैसे हल करते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, इसके क्या गुणधर्म होते हैं। आज एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दोबारा यहां बताना चाहता हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, भाग विभाजन करने की एक प्रक्रिया है। भाग विभाजन करने की, विभाजन मतलब बांटने की एक प्रक्रिया है। यह घटाव की पुनरावृत्ति, घटाव की पुनरावृत्ति भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति भी कहलाता है। हम जानते हैं, दूसरे शब्दों में जैसे हम जानते हैं कि भाग बांटने अथवा विभाजन करने की एक प्रक्रिया है। उत्तर ज्ञात करने के लिए, जो उसका आंसर होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम बांटने अथवा विभाजन को दोहरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे समझेंगे हम, देखिए इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए 10 है, कितना है? 10। अब इस 10 को मान लीजिए दो दो करके बांटना है। 10 को दो दो, मान लीजिए दो किसी को मिल जाए, किसी को दो मिल जाए, किसी को दो मिल जाए, तो दो दो बांटना है तो कितने लोगों को यह प्राप्त होगा? दो दो जो होगा वो कितने लोगों को मिलेगा? इसमें मान लीजिए 10 रुपया है, जैसे समझ लीजिए 10 रुपया है, दो दो रुपया देना है, ठीक। एक आदमी को या एक बच्चे को दो दो रुपया देना है तो कितने लोगों को मिलेगा यह 10 रुपया? तो यहाँ पे अब जैसे 10 है, दो रुपया देना है, तो दो रुपया अगर दे रहे हैं तो 10 में से हम माइनस करेंगे, कितना होगा? 8। 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8, ठीक। यह 1 को हो गया, फिर 8 में से माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, ठीक। अब 6 में से माइनस करेंगे 2 को, कितना हो जाएगा? 4। अब 4 में से माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, ठीक। अब 2 रुपया बचा है, अब 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ 2। तो कितने लोगों को यह प्राप्त हुआ? यहाँ पे 2 है, माइनस कर दीजिए 2, बराबर 0। अब क्या हुआ? 10 रुपया ये हमारा समाप्त हो गया, ठीक। तो 10 रुपया है, 10 में से हमने 2 घटाया, 8 रुपया, फिर 6 रुपया, फिर बचा कितना? 4 रुपया, फिर कितना बचा? 2 रुपया, ठीक। यह एक आदमी को हो गया 2, 3, 4, 4 लोगों को, ठीक। 4 लोगों को बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 8 रुपया। तो यहाँ पे अब अगला जो है 10, उसके पास 10 में से 8 घटाएंगे, 2 रुपया बचेगा ना, तो यह 5 लोगों को। कहने का मतलब यह कितने लोगों को प्राप्त हुआ? 5 लोगों को प्राप्त हुआ। जैसे अगर यहाँ माइनस, जैसे घटाव का पुनरावृत्ति बताया गया ना, घटाव की पुनरावृत्ति भी कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए 10 रुपया था, दो दो रुपया बांटना है, कितने लोगों को मिलेगा? तो यहाँ पे भाग भी, विभाजन जिसे कहते हैं भाग, जैसे 10 है, दो दो रुपया बांटना है, अब देखते हैं कितने लोगों को मिलेगा, तो 2 भाग देते हैं। जैसे आपको पता ही है 2 × 5 कितना होगा? 10, ठीक। कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। कितना कितना? दो दो रुपया, ठीक। इस तरह से इसको हम भाग में घटाव का पुनरावृत्ति भी कहते हैं और विभाजन भी होता है, जिसको हम भाग के द्वारा करते हैं, उसको हल करते हैं। तो इस तरीके से आपका यह हो गया, इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा चीज होता है, जैसे इसमें कोई भी संख्या है, जैसे 100 रुपया है, मान लीजिए कितना है? 100 रुपया। अब 100 रुपये को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 100 रुपये को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, ठीक। तो कितना आएगा? तो यह 100 है, ठीक, 10 लोगों में बांटना है, तो 10 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो जब आप भाग देंगे
तो 10 एक कम 10 होगा, ठीक कट गया, यहाँ पे कितना आया 0। जैसे आप भाग में जानते हैं, अगर यहाँ पे उतारने पे बाद दूसरी संख्या यहाँ पे हो चाहे कोई भी संख्या हो, अगर 0 बचा है तो इसको नीचे लेते हैं तो यह संख्या ऑटोमेटिक ऊपर भागफल में चला जाता है। किसमें? भागफल में चला जाता है। तो जो 100 रुपया था 10 लोगों में बराबर बांटना था तो कितना कितना आया यहाँ पे भागफल 10। तो यह भागफल क्या है कि ये 10 रुपया उन लोगों को मिलेगा। 100 रुपया था, 10 रुपया एक लोग को बांटना था, एक एक को कितने लोगों को मिला यहाँ पे 10 लोगों को मिला या मिलेगा। अब इसमें इस तरह से इसको हल किया जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, यह जो भागफल है इसको क्या कहते हैं? भागफल। जैसे हल करने के बाद जो आता है भागफल, अगर शुरू से देखिए, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे आपका 100 है यह, ठीक, यह क्या है, इसको क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। जिसको भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे किसको भाग दिया जा रहा है? 100 को भाग दिया जा रहा है, तो यह क्या होगा? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं, यहाँ पे किस संख्या से भाग दे रहे हैं? 10 को, तो यह क्या है? भाजक। इसको क्या कहते हैं हम? भाजक। और भाग देने पे जो उत्तर हमारा आता है जिसे भागफल, इसको क्या कहते हैं? भागफल। यह आपका भागफल होता है, ठीक। अब भाग देने के बाद अगर शेष के रूप में बच रहा है कुछ, जो इस संख्या से भाग देने पे नहीं उत्तर आ रहा है, शेष बच रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे शेषफल। क्या कहेंगे? शेषफल। जो बचता है भाग देने के बाद उसे हम शेषफल कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिससे भाग दिया जाता है भाजक होता है, जिसको भाग दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जो हमारा उत्तर आता है वह भागफल होता है, और जो नीचे अगर बच रहा है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक। अब इसके कुछ तथ्य होते हैं, इसके क्या होते हैं? कुछ तथ्य होते हैं। जैसे भाग गुणा संबंधित कुछ तथ्य होता है। प्रत्येक विभाजन में देखिए, प्रत्येक विभाजन में तथ्य के दो गुणन होते हैं। किसके? तथ्य के दो गुणन होते हैं। उदाहरण इसका देखिए, जैसे मान लीजिए 14 भागा 2, ठीक। तो 14 में 2 का भाग देंगे, जैसे भाग में आप लोगों को पता है ये 14 है, 2 से भाग देना है, ठीक। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। एक बार हम यहाँ बताते हैं दोबारा लोगों को, यहाँ हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारा ये 14 है इस पहाड़े के इसके पहाड़े में है कि नहीं है, ठीक। अगर है तो कितने बार में है, अगर मिल जाता है तो जितने बार में होता है हम यहाँ भागफल के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सत्य कितना होता है? 14 होता है ना, 2 सत्य कितना होता है? 14। इसका एक चीज और यहां दोबारा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, मान लीजिए 14 है, 2 से भाग देना है, तो जिस संख्या से भाग देना होता है यहाँ पे जो संख्या रहता है, तो हम देखते हैं पहला एक संख्या लिखते हैं, एक संख्या जब लेंगे तो यहाँ पे कितना? 1, जो कि क्या है? यह 2 से छोटा है, तो भाग देने में यहाँ पे 2 से बड़ा। जैसे अगर यहाँ 3 होता इस जगह, 1 के जगह 3 होता, तो हम यहाँ 2 एक कम 2, 3 के नीचे 2 लिखते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, तो यहाँ ये 14 है। तो यहाँ पे अब 1 छोटा है तो इसलिए अब 2 संख्या, अगली संख्या को भी इसमें ले लेंगे, जोड़ लेंगे, ये दोनों संख्या मिल के क्या बन जा रहा है? 14। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कि 14 है कि नहीं। तो 2 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 2 सत्य 14 होता है, होता है 2 सत्य 14। अब इसको घटाते हैं, इस तरह से लिखने के बाद हम ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को घटाते हैं, तो 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ 1 में से 1 गया 0, मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, कोई शेष नहीं बचा, ठीक। इस तरह से भाग देते हैं। अभी जैसे हमने बताया, मान लीजिए यहाँ पे 1 के जगह 3 है, मतलब ये 34 है, 34 को 2 से भाग देना है,
तब यहाँ पहली संख्या हम लेते हैं इसमें क्या जो इसके बगल में होता है इसको पहली संख्या लेते हैं सबसे लास्ट वाला, इकाई के तरफ से इधर भी बढ़ाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो भी रहेगा, तो सबसे बाएं साइड का हम संख्या को लेते हैं तो यहाँ तीन है। अब यह क्या दो से बढ़ा है, तब यहाँ क्या लिखेंगे कैसे हल करेंगे, यहाँ हम दो एक कम दो होता है तो हम यहाँ दो एक कम दो करेंगे, फिर यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ तीन है, तीन में से दो जाएगा कितना एक बचा, यह क्या दूसरी संख्या। अब यहाँ भी देखिए माइनस करने के बाद अब यह एक हुआ है जो इससे छोटा है, अब क्या करेंगे दूसरी संख्या इसमें ऊपर से दूसरी संख्या को नीचे लाते हैं तो यहाँ चार है, इस जगह पे इसको नीचे लाएंगे तो हमारा हो गया कितना चौदह। अब दो सत्ते कितना चौदह, तो यह हमारा कट गया। इस तरह से हम भाग देते हैं तो यहाँ पे चौदह भागा दो है तो आएगा कितना सात, ठीक कितना आएगा सात। अब सात गुणे दो, सात गुना कितना होता है चौदह होता है। दूसरा जैसे मान लीजिए दो गुणे सात इसको करते हैं तब भी कितना आएगा चौदह। इस तरीके से यह आपका पहला जो विभाजन तथ्य के दो गुणन होते हैं वह यह इस तरह से इसको समझते हैं, इसी प्रकार से इसका नियम है और धर्म है। और दूसरा देखिए इसमें होता है प्रत्येक गुणन तथ्य के दो विभाजक तथ्य होते हैं, प्रत्येक गुणन तथ्य के दो विभाजक तथ्य होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लीजिए 21 है, ठीक 21 भागा 3 कर लीजिए ठीक बराबर। अब 21 को 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 सत्ते क्या होता है 21 होता है ना, 3 सत्ते 21 होता है। या अब यह 21 जो संख्या है इसको भागा 7 कर लीजिए ठीक, तब कितना आएगा सात्विक 21 होता है ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा 21 संख्या था इसको 3 से भाग दे रहे हैं ठीक, तो हमारा आंसर 7 आ रहा है। और 21 को ठीक अगर 7 से भाग देंगे तब भी कितना आएगा सात्विक 21। अब गुणा में जैसे 3 गुणे 7 सात्विक कितना हो जाता है 21 होता है। अब या 7 गुणे 3 बराबर कितना होगा 21 होगा। तीस का यह भाग में यह कुछ तथ्य होते हैं जो हमने अभी आपको बताया है। और इसके देखिए कुछ गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं गुणधर्म होते हैं। जैसे इसमें पहला हम मान के चलिए जैसे 8 है ठीक, 8 भागा 8, तो किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है एक। जैसे 8 भागा 8 तो हमारा कितना आया भागफल एक आया। कोई भी संख्या हो मान लीजिए अगर 250 है भागा उसी संख्या से 250 से भाग देते हैं तो कितना भागफल आएगा एक, ठीक पहला हो गया। दूसरा जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 25 है, 25 भागा 0, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या आएगा 0, ठीक। कोई भी संख्या हो, एक हो दो हो इकाई में हो दहाई में हो सैकड़े में हो, कोई भी संख्या हो अगर उस संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा 0 आएगा। अब अगला गुणधर्म मान लीजिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या में 23 है, 23 भागा किसी भी संख्या में एक से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आएगा वही संख्या रहेगा ठीक 23 ही। ये क्या होता है बदलता नहीं है, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस धर्म का गुणधर्म का कहने का मतलब ये है नियम का कि किसी भी संख्या को अगर हम एक से भाग देंगे तो वह संख्या स्वयं रहती है, उसमें वह कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, या वह एक अंक में हो दो अंक में हो तीन अंक में हो या चार अंक में हो
किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए अगर 125 है, ठीक, 125 भागा 1 बराबर कितना आएगा, 125 ही आएगा। अब इसमें अगला समझिए, जैसे अगला हो जाएगा जीरो में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो वह भागफल भी जीरो आएगा। जान लीजिए जीरो है भाग, 50 से करते हैं, जीरो को 50 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आता है, जीरो आएगा। अब यहां भी चाहे एक संख्या से भाग दीजिए, चाहे दो संख्या से भाग दीजिए, या तीन संख्या से भाग दीजिए, अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा भागफल, जीरो आएगा। तो इसके कुछ यही तथ्य और गुणधर्म थे, नियम थे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित आपका अभ्यास 9.1 में कुछ सवाल दिए हुए हैं, जो अभी मैं आपको एक एक करके हल करके बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए इसमें पहला जो आपका सवाल दे रहा है, लिख रहा है घटाव की पुनरावृत्ति विधि द्वारा भाग दीजिए तथा भागफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए 12 भागा 3 दे रहा है घटाव की पुनरावृत्ति। जैसे अभी बताए हैं ना, जो भाग होता है घटाव का पुनरावृत्ति भी होता है, जिसमें एक उदाहरण मैंने आप लोगों को पीछे समझाया है। यहाँ पे देखिए विधि द्वारा भाग दीजिए तथा भागफल ज्ञात कीजिए। अब पुनरावृत्ति में जैसे यहाँ से 3 12 है, ठीक, कितना है 12, अब 3 से भाग देना है, 3 से मतलब 12 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, इस तरह से समझ लीजिए 12 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो कितना आएगा। तो 12 में से अगर 3 घटा रहे हैं, जैसे यहाँ दिया है ना घटाव की पुनरावृत्ति द्वारा, तो यहाँ पे अगर भाग देते हैं, जैसे 12 है, 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 भागा 3, 3 चौका कितना होता है 12, इसी तरह से भाग देते हैं ना, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 4 कितना आ रहा है भागफल, 4, यहाँ पे ऐसे 4 भी लिख सकते हैं, ठीक, ये हमारा भाग हो गया। अब पुनरावृत्ति का हो गया, यहाँ पे 12 है, ठीक, अब घटाओ बीच से 12 है माइनस 3, 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9, ठीक, एक यह हो गया। दूसरा अब यहाँ पे कितना है 9 में से, ठीक, 12 में से 1 को मैंने 3 बांट दिया तो कितना बचा है 9 ही बचा ना, अब 9 में से ही आगे 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक, अब हमारे पास कितना बचा 6, अब 6 में से फिर 3 1 को दे रहे हैं, अब 6 माइनस फिर 3 तो कितना बचेगा 3, ठीक, कितना बचा 3, अब फिर 3 जो है 1 को दे रहे हैं तो 3 में से फिर माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0। यहां जो हमारे पास अभी दूसरे तरह से समझ लीजिए, यह 12 रुपया है, जैसे आप लोग 12 रुपया कितना मिला आपको 12 रुपया, और 3 लोगों के बीच में बराबर बराबर उसको बांटना है। तो यहाँ जब हम 12 था उसमें से 3 रुपया एक आदमी को पहले हमने दे दिया, चाहे एक बच्चे को दे दिया आपने, कितना 12 रुपया में से 3 रुपया दे दिया तो कितना बचा हमारे पास 9 रुपया, ठीक। अब जो 9 रुपया बचा है हमने दूसरे को, उसमें से 3 रुपया दे दिया तो कितना बचा हमारे पास 6 रुपया, अब 6 रुपया में से फिर हमने 3 रुपया अगले वाले को दे दिया फिर उसके कितना बचा हमारे पास 3 रुपया, अब 3 है जो मैंने अगले वाले को दे दिया, क्या समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 1 लोगों को 2 3 और 4, कितने लोगों को 4 लोगों को 3-3 रुपया आ गया। और यहाँ गुणा करेंगे अगर इसको देखने के लिए, जो 3 लोगों में हमने 4-4 रुपया जो आया है उसको गुणा करेंगे 3 × 4, ठीक, कितना आएगा 12 आ रहा है ना, ये 12 को ही बराबर बांटने के लिए कहा है ना 3 लोगों को, तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे।
यहाँ पे आप सीधे ये भाग द्वारा हो गया, घटाव की पुनरावृत्ति के द्वारा यह हल हो गया। अब उसी तरीके से इसमें अब डी, ये हमने यहाँ पे हल किया, अब डी है। डी में अब देखिए दे रहा है 18/6, ठीक। अब 18 रुपया है, कितना है 18 रुपया। अब उसको 6-6 रुपया बांटना है, कितना 6 रुपया। या तो इस तरह से समझ लेते हैं 18 रुपया है, 6 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में 6 लोगों में, तो कितना कितना रुपया आएगा एक लोगों को। अभी यहाँ पे मैंने पहला जो बताया, यहाँ पे बताया था 12 रुपया है, 3-3 रुपया बांटना है, 12 रुपया है, 3-3 रुपया बांटना है एक एक लोगों को, कितना कितना आएगा। तो एक के पास कितना आ रहा है 4 रुपया, कितना आ रहा है 4 रुपया। अब उसी तरीके से यहाँ 18 रुपया है, ठीक। दूसरे में उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं इसको, 18 रुपया है, इसको कितने से भाग देना है 6 से। अब 6 लोगों में क्या करना है, ये बांटना है, कितने लोगों में 6 लोगों में। तो यहाँ पे अगर भाग देंगे आप 18 में 6 का, आपका आएगा 3, ठीक, कितना, इसलिए क्षत्रिय कितना होता है 18, क्षत्रिय 18 होता है। अगर 18 को 6 से भाग करेंगे तो आपका भागफल कितना आएगा 3। अब घटाव विधि में देखिए 18 ठीक माइनस 6 कितना बचेगा 12, ठीक। अब 12 बचा है, 12 में से फिर 6 रुपया घटाएंगे, माइनस 6 कितना बच जाएगा 6 रुपया, ठीक। अब फिर 6 को 6 घटाएंगे, 6 रुपया बचा, 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आंसर आया देखिए 1 2 और 3, मतलब 3। तो इस पुनरावृत्ति का यही विभाग जो है, पुनरावृत्ति भाग जो है या भाग विध जो है, इसी नियम से इसी तरीके से हल होता है। जैसे शुरुआत में हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो भाग विभाजन करने की एक प्रक्रिया है और यह घटाव की पुनरावृत्ति भी कहलाता है, तो इसको घटाव की पुनरावृत्ति के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं और आपको समझने में आसानी भी होगी इसको, किसको, भाग को। अब अगला जो आपका है देखिए दूसरा, अब इसमें का हमने ए बता दिया, डी बता दिया, अब जी क्या है, जी जी नंबर पे दिया है, जी पे है 54/18, कितना 54/18। अब 54 मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 54 रुपया है, इसमें 18 रुपया देना है, कितने लोगों को प्राप्त होगा, 2 लोग पाएंगे कि 3 लोग पाएंगे कि 4 लोग पाएंगे। तो 54 रुपया है, 18 रुपया बांटना है, तो घटाव भी से यहाँ पे अभी न हल करके हम यहाँ पे सीधे 54 में से हम 18 को घटाएंगे, ठीक। तो 54 में से 18 को घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 36, ठीक। अब दोबारा इसको 36 में से फिर 18 को घटाएंगे कितना बचेगा 18। अब 18 में से 18 को घटा दीजिए कितना 0। तो कितने लोग इसमें 1 2 3, कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है 3 लोगों को, कितना कितना 18 रुपया। तो 18 तिया कितना होता है 54, यहाँ पे आपका 3 भागफल जो होगा 3 होगा। और घटाव भी से देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक। इसलिए यहाँ 54 था, 54 में से 18 घटाया 36 हो गया, एक यहाँ पे हो गया मान लीजिए, एक यहाँ 2 हो गया, 18 रुपया बचा था वो भी दे दिया गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ 3 लोगों को प्राप्त हुआ। तो यही विधि आपका घटाव पुनरावृत्ति विधि कहलाता है भाग में। अब अगला जो आपका है वह दूसरा, अब इसमें का जो भी बचा हुआ है आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा इसी तरह से।
अब दूसरा इस अभ्यास का दे रहा है भाज्य पर वृत्त का चिन्ह, भाज्य पर वृत्त का चिन्ह, भाजक पर क्रास गुणे का मतलब गुणे का चिन्ह, तथा भागफल पर राइट मतलब गुड का चिन्ह बनाइए। पहला सवाल इसका ए 56 है, भागा 7, इस तरह से आपके किताब में वृत्त बनाया हुआ है, फिर बराबर यह 8 है, फिर यहाँ पे एक आयत या वर्ग के रूप में खाली स्थान है। अब इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पे दे रहा है भाज्य पर वृत्त बनाइए। अब इसमें भाज्य कौन है, देखिए यहाँ 56 है, भागा 7 बराबर 8, ठीक। यहाँ पे 56 को 7 से भाग दिया है, जो हमको भागफल प्राप्त हुआ कितना 8, यही है ना, 7 × 56 होता है, होता है कि नहीं होता, 7 × 56। तो यहाँ पे अब जैसे अभी पीछे हमने आपको बताया है कि किसे हम भाज्य कहते हैं, किसे हम भाजक कहते हैं और किसे हम भागफल कहते हैं, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 56 है भागा 7, 56 को किसको भाग कर रहा है, 56 को, यहाँ पे भाग किसको कर रहा है, 56 को। तो जैसे हमने बताया है जिसको भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य, इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। भाज्य पर किस चीज का चिन्ह लगा है, वृत्त का, इसके ऊपर हम ऐसे वृत्त बना देंगे, ठीक। अब देखिए भागा 7, अब इसको किससे भाग कर रहा है, यहाँ पे भाग कर रहा है ना 7, तो जिससे भाग देते हैं या करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। तो भाजक पर किसका चिन्ह बनाना है हमें, क्रास का, गुड़े का, इस यहाँ पे हम गुड़े का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद जो उत्तर आता है भागफल, यहाँ पे भागफल आया है ना, इसमें क्या करना है, राइट का चिन्ह हमें लगाना है, इस तरह से। आप इसको, आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा एक बार फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको, जिसको भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग करते हैं या जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर जो आता है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। अब उसी क्रम में देखिए आपका ए हमने बता दिया जी, जी में दिया है 21 भागा 7 बराबर, जो भागफल आया है कितना आया, 3, 7 × 21 होता है कि नहीं होता। भाग में यह एक नियम भी होता है जो समझने का, गुणा, जैसे अगर जिससे हम भाग देते हैं ठीक, और जो भागफल आता है उसको आपस में गुणा करते हैं, तो जो भाग्य हमारा जो भाज्य रहता है अगर वह सेम आ जाता है, एक समान आ जाता है, तो हमारा भाग्य जो है सही भी है और नियम भी होता है इसका यही। तो अब यहाँ 21 भागा 7 भागफल आया 3, 7 × 21। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से भाज्य पर, यह हमारा भाज्य है, इसके ऊपर वृत्त बनाएंगे, फिर यहाँ भाग दे रहे हैं 7 से, यहाँ क्रास का चिन्ह रहेगा, और यह हमारा भागफल है इस पे गुड का चिन्ह रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये आप लोगों को दिया है, बताया है किस पे क्या करना है। तो इस जो दो का मैंने ए और जी बताया यहाँ पे, इसी आधार पे इसी तरह से आपका आगे का जो भी इसमें बचा हुआ सवाल है वो भी हल होगा, उसको भी हल कर लीजिएगा। अब अगला अभ्यास आप लोगों का 9.2, इसमें पहला जो दे रहा है, निम्नलिखित विभाजन तथ्यों के गुणन तथ्य लिखिए। जैसे अभी पीछे हमने आपको बताया है कि हर विभाजन तथ्य के दो गुणन क्या होते हैं, दो गुणन तथ्य होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दे रहा है, लिखा है आपकी किताब में 56 भागा 8 बराबर यहाँ पे 7। तो पीछे जैसे हमने बताया यहाँ पे कि विभाजन तत्व के दो गुणन होते हैं, क्या होते हैं, दो गुणन। यहाँ पे दो गुणन कौन कौन से हैं, 8 और 7। कैसे, अगर 8 × 7 बराबर कितना होगा, 56। 8 × 56 होता है ना, या दूसरा जो होता है, ये तो पहला हो गया 8 × 7 बराबर 56, तथा
अब 7 × 8 बराबर 56, 7 × 56। तो यह इसके दो गुणन तथ्य हैं। इसी आधार पे यहाँ आपका ये हल होगा, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों का। अब देखिए बी में यहाँ दिया 63/9, 9 × 63 यहाँ भागफल दिया है। अब इसमें भी वही विभाजन तथ्यों के गुणन तथ्य लिखिए। तो जैसे पता है हर विभाजन के दो गुणन तथ्य होते हैं, यहाँ भी दो गुणन तथ्य हैं इसके, एक 9 और एक 7। जब हल करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे 9 × 7, 9 × 7 कितना होता है 63 तथा 7 × 9, 7 × 9 = 63। तो इस तरीके से इसके गुणन होते हैं। तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे और लिखेंगे, ठीक। इसमें का हमने पहला का दो सवाल ए और बी हल करके बता दिया है, इसमें का जो बचा हुआ है इसी तरह से हम उसको हल करेंगे। यही आपका आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसमें का दूसरा, इस चैप्टर का दूसरा सवाल जो है वह लिख रहा है निम्नलिखित गुणन तथ्यों के विभाजन तथ्य लिखिए। फिर यहाँ पे वही है, पीछे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ भी गुणन तथ्य के क्या होते हैं, दो विभाजन तथ्य होते हैं। क्या दो विभाजन तथ्य होते हैं। यहाँ ए देखिए दे रहा है 6 × 9 बराबर कितना 54, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे आप तो लिखेंगे यहाँ पे 54/, विभाजन गुणन के भी दो तथ्य होते हैं और विभाजन के भी दो तथ्य होते हैं। जैसे अब कौन कौन से, यहाँ 6 और 9 क्या है विभाजन के, यह दोनों तथ्य हैं, ठीक। देखिए हल 54 में पहले चलिए 9 से भाग करते हैं, ठीक। कितना आएगा 6, 9 × 6 के कितना होता है 54, ठीक। अब दूसरा इसमें तथा 54/9, नहीं यहाँ 9 से कर चुके हैं, सॉरी 6 से। दूसरा कौन सा है 6, तो जब 54 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 9, इसलिए 6 × 9 = 54 होता है। यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो किसी भी गुणन में के तथ्यों का विभाजन दो तथ्य होते हैं, जैसे यहाँ 54 है, ठीक। यहाँ देखिए गुणा किया है 6, एक गुणन यह हो गया, एक गुणन यह 6 × 9 बराबर 54। अब जब इसको विभाजन तथ्य के जानेंगे निकालेंगे तो 54 को पहले 9 से एक से गुणन, एक गुणन से भाग देंगे, ठीक, और फिर बाद में 54 को दूसरे गुणन से हम भाग देंगे। तो यह आपका इस तरह से हल होगा। और बी इसका दूसरा का बी 11/5 11 × 5 क्या है 11/5, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 55, यहाँ पे 55 है। अब यहाँ पे विभाजन तथ्य पूछ रहा है इसके कौन कौन से विभाजन तथ्य हैं, तो यहाँ पे भी इसके विभाजन तथ्य 11 हैं और 5 हैं। जैसे जब इसको हल करेंगे आप तो 55 है, ठीक, भागा पहले किससे कर लेते हैं 5 से। अगर मान लीजिए 55 को 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 11 आएगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 55 है, 11 5 से भाग दिए तो 5 × 5 कट गया, फिर 5 × 5 11 आया। तो इसी तरह कैसे यहाँ आपका 11 होगा, ठीक। अब दूसरा एक तो यह हो गया, अब दूसरा है 55/11, तो 55 को 11 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5, ठीक। 11 × 5 कितना होता है 55। तो यह इस तरह से आपका यह दूसरा में जो भी बचे हुए हैं वह इसी प्रकार से हल होंगे। अब इसमें का तीसरा, निम्नलिखित को हल कीजिए। ए जो इसमें पहला दिया है 17/17 बराबर, खाली स्थान है इसमें, इसका उत्तर लिखना है कितना आएगा यहाँ पे।
इस तीसरे में निम्नलिखित को हल कीजिए, कुछ इस तरह से सवाल दिया हुआ है जिसमें खाली स्थान बनाया हुआ है, उसको भरना है कि वहाँ पे कितना होगा। ठीक, तो इसमें का जो पहला आपका ए है 17/17, इसमें पहले अभी वीडियो में अभी इसमें बताया मैंने आपको कि भाग के कुछ गुणधर्म होते हैं, भाग के कुछ गुणधर्म होते हैं जो हाँ एक एक करके बताया था उसको देखिए। यहाँ 17/17, जैसे किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आएगा, बताया अभी पीछे, भागफल कितना आएगा, एक। ठीक, अगर किसी संख्या से किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भागफल एक आता है, यहां पे हम एक लिखेंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें बी दूसरा जो सवाल है, बी 25/, यहां खाली स्थान है, मानो 25 को कितने से भाग किया गया है कि उत्तर आपका कितना आया है, एक। अब यहां हमें क्या बताना है कि जो पहली संख्या है 25 है, इसको कितनी संख्या से, यहां पे संख्या वह नहीं दिया हुआ है, तो किस संख्या से भाग दिया गया है कि उत्तर एक आया है। अभी जैसे आपका ये सवाल है 17 को 17 से भाग दिया गया है तो हमारा उत्तर क्या आया था, एक आया है, तो यहां पे भी 25 को हम 25 से भाग देंगे तो हमारा भागफल एक आता है या एक आएगा। इसके गुणधर्म में हम पहले ही बताए हैं आप लोगों को, अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से, चाहे वह एक अंक में हो या चार अंक में हो, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है अगर उसी संख्या से फिर हम भाग देते हैं तो हमारा भागफल एक आता। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए 145 है, भागा 145 को 145 से उसी संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा भागफल एक आएगा। तो जो भी अभी पीछे मैंने आप लोगों को गुणधर्म बताया था उसी के आधार पे यह आपका तीसरा में जो भी सवाल है वह हल होगा, उसी आधार पे गुणधर्म के ही आधार पे जो चौथा आपका है रिक्त स्थान भरिए, इसमें भी आप उसी तरह से उसको हल करेंगे, जब पता रहेगा तभी आप हल कर पाएंगे जो भाग के कुछ गुणधर्म है जैसे अभी बताया है। अब इसमें देखिए ए 36/0, जैसे पीछे हम बता चुके हैं कि किसी संख्या में अगर जीरो से हम भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या आता है, जीरो। अब बी देखिए दिया है 0/1 बराबर कितना, तो किसी भी संख्या अगर जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तब भी हमारा भागफल क्या आएगा, जीरो। कोई भी संख्या हो, एक अंक में हो, दो अंक में हो, तीन अंक में हो, कितना हो, बड़े अंक से अगर भाग देंगे किसमें, जीरो को, अगर जीरो संख्या है इसको भाग देना है, कितना हो बड़ी संख्या हो, चाहे एक अंक में हो या दो अंक में हो या तीन अंक में हो वहाँ पे, तो उसका भागफल क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे चाहे आप 25 कर दीजिए या तो 250 कर दीजिए या 1250 से करिए, तब भी जो भागफल क्या आएगा, जीरो आएगा। सीधा कहने का मतलब यह है कि जीरो में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो भागफल जीरो आएगा। अब इसका सी देखिए 14/1 बराबर कितना होगा, तो किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग देते हैं तो हम क्या होता है, संख्या वही रहता है, बदलता नहीं है, क्या होता है, वही रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 14/1 है, अगर कोई और संख्या है जैसे 45/1 है, ठीक, तो कितना आएगा, 45 ही आएगा आंसर, यह संख्या बदलती नहीं है। अब यहाँ पे चाहे एक अंक में हो या दो अंक में हो या तीन या चार, कितना हो अंक में हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें एक से भाग देंगे तो वह संख्या यहाँ पे आंसर के रूप में हो जाएगा, वह बदलेगा नहीं। कहने का मतलब वह संख्या बदलती नहीं है, उसका आंसर वही होगा, अगर 45 है तो 45, 150 है तो 150,
ठीक है। तो इस तरीके से चौथा का ए बी सी यहाँ पे हमने आपको हल करके बता दिया है, ठीक। और इसी आधार पे आगे का जो भी बचा हुआ सवाल है आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। इस अभ्यास में आप लोगों का सबसे ज्यादा जो भाग के गुणधर्म होते हैं, जो नियम होते हैं, उसके आधारित पे 9.2 जो है वो था। तो आप लोग उसके जो भी है गुणधर्म है, मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को यहाँ बताया है, आप लोगों की किताब में भी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज का यह जो भी आप लोगों को हल करके बताया गया है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको उसके बारे में उसको हल करके बताऊँगा।